हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिक्स हैंडी में। आज की हमारी रेसिपी है हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। एक कप मैंने यहाँ पर ले लिए हैं चावल, जो कि बहुत ही एनर्जी और डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। आधा कप ले लिया है मैंने चने की दाल, जो कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करती है। और आधा कप ही मैंने ले ली है मसूर की दाल, जो कि विटामिन बी और रिच प्रोटीन और फाइबर होता है इसमें। और आधा कप ले लिया है मैंने साबुत मूंग, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और दो चम्मच छोटे चम्मच मैंने ले ली है उड़द की दाल, जो कि जिसमें बहुत सारा फाइबर होता है। इसमें डालेंगे हम 6-7 बादाम, जो कि पाचन क्रिया में सहयोग करते हैं। और 1/4 डालेंगे हम इसमें मूंगफली, जो इसमें प्रोटीन और फाइबर होता है। अब इसको हम अच्छे से वॉश करके इसको 3-4 घंटे के लिए हम भिगो कर रख देंगे, ताकि ये सब जो दाल हैं वो फूल जाएं बिल्कुल, और ताकि हम इसका अच्छे से एक पेस्ट बना सकें। ये देखिए दाल बिल्कुल फूल चुकी है। अब इसको हम मिक्सी जार के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसका पेस्ट बना लेंगे। इसको मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसमें साथ में डाल देंगे हम 2 हरी मिर्चें और 7-8 लहसुन की कलियाँ, और इसमें हम डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और इसका हम बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसका बारीक पेस्ट तैयार इसको कर लेंगे एक बॉल में ट्रांसफ़र। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, तो इसमें डाल लेते हैं हम स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी ओरिगेनो और थोड़ा से चिली फ्लेक्स, जिससे कि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसको हम 2 मिनट तक खूब फेंट लेंगे। और वहाँ पर मैंने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है। आप इस घोल को थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं, ताकि ये अच्छे से फैल जाए। ये देखिए अब हम तवे के ऊपर थोड़ा सा तेल डाल करके इसके ऊपर ये बैटर को फैला देंगे। ये बैटर थोड़ा पतला है, तो इसीलिए इसको जल्दी जल्दी से ये फैलने जा रहा है। अब हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम रखनी है हमें यहाँ पर मीडियम, ताकि ये धीरे धीरे सिकता रहे और इसमें बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। ये देखिए ये ऊपर से सिकना शुरू हो चुका है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसको अब हम पलट देंगे। ये एक साइड से बिल्कुल पूरी तरह से सिक चुका है। अब इसको हम पलट देखें, ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी हो चुका है यहाँ से ये। अब हम इसको एक बार और पलटेंगे, ताकि हमें पता लग जाए कि ये पूरी तरह से सिका है या नहीं। ये देखिए इसको हम पलट देते हैं, ये देखिए बिल्कुल ये पूरी तरह से सिक चुका है और बिल्कुल कुरकुरा हो चुका है। अब हम इसको सर्व कर देते हैं। आप इसको चटनी के साथ, सॉस के साथ या मेयोनीज के साथ खाइए। ये बहुत ही हाई प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट है। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।